क्या हम बताएंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं वट आर दॉेज ऑफ डिप्रेशन अगर आप जैसे आपने जब अपनी बात शुरू की थी मैं आपको सुन रहा था तो मेरा आपने कहा कि कल मम्मी ने डांट दिया तो आई एम फीलिंग डिप्रेस उससे लड़ाई हो गई तो आई एम फीलिंग डिप्रेस हम इतना ज़्यादा सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं इन शब्दों को कि ये बीमारियां अपना जो अपनी असली जो स्थिति है उन्हें खो देती हैं डिप्रेशन uh, uh, अगर आप देखें कि इसके जो कारण हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई uh, एक तनाव भरी घटना हुई तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा हाँ ये माना जा सकता है कि ये कारण हो सकता है लेकिन मस्तिष्क में होने वाले कुछ विशेष रासायनिक परिवर्तन हैं जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस हैं वो भी डिप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ तक कि मेडिकल साइंस की बात माने तो आप जानेंगे कि ज्यादातर डिप्रेशन वो स्ट्रेस की वजह से नहीं होता नहीं। बिना किसी कारण के बिना किसी तनावपूर्ण स्थिति के होने के बाद भी आपको डिप्रेशन हो सकता है तो आ, तनाव भरी स्थितियां भी महत्वपूर्ण है मगर उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं तो आ, अगर थोड़ा सा और गहरे में जाके इस बात को समझें तो म, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे रसायन हैं ऐसे केमिकल हैं जो हमारे मूड को बैलेंस रखते हैं ओके okay. तो कुछ के नाम जैसे अगर आप देखें तो सिरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी भावनाओं को रेगुलेट करता है ठीक है अब ये ऊपर नीचे होंगी तो भावनाओं का नियंत्रण भी जो है बिगड़ेगा तो okay. डिप्रेशन में जो है कुछ ऐसे ही रसायनों में परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को इस तरह के लक्षणों को महसूस करता है